अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरूज सी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बूटस्ट्रैप ड्रॉपडाउन्स, कि हम बूटस्ट्रैप में ड्रॉपडाउन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं, ये चीज़ सीखेंगे। ड्रॉपडाउन मेन्यू जो है वो हमारे पास क्या है, एक टॉगलेबल मेन्यू होता है, यानी कि जिसे हम क्लिक करके हम अपनी प्री डिफाइंड लिस्ट में से वैल्यूज़ को चूज़ कर सकते हैं। प्री डिफाइंड यानी कि जो ऑलरेडी जो है हमने वैल्यूज़ जो हैं लिस्ट में डिफाइन की हुई हैं, उनमें से किसी एक को हमने अगर पिक करना है तो हम टॉगलेबल उसको बना सकते हैं और ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो क्लास यूज़ करेंगे वो है ड्रॉप डाउन की क्लास, जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू इंडिकेट करेगी। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करने के लिए हमें इसके लिए बटन या लिंक को यूज़ करना पड़ेगा। उस बटन और लिंक में हम जो क्लासेस देंगे वो है ड्रॉप डाउन टॉगल की और डेटा टॉगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन एट्रीब्यूट। जो हमारे पास ये इवेंट है डेटा टॉगल, ये क्या करेगा, जो हमारे पास जो भी डेटा होगा उसको टॉगलिंग करने के लिए हेल्पफुल होगा, और उसकी जो हमने वैल्यू दी है वो ड्रॉप डाउन दी है, जिसका मतलब है कि वो हमारे पास ड्रॉप डाउन की फॉर्म में उसका डेटा टॉगल होगा। इसके अलावा जो हम लोग क्लास यूज़ करेंगे, कैरेट क्लास को यूज़ करेंगे, जो कि कैरेट साइन क्रिएट करने के लिए ड्रॉप डाउन में हेल्पफुल होगा। जो हमारे पास कैरेट साइन जो एक आइकन शो होता है उसके लिए हम लोग ये कैरेट क्लास को यूज़ करेंगे, जो हमारे पास ये बटन में ड्रॉप डाउन में शो होगा। जो हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करना है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऐड करेंगे, जो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन मेन्यू बिल्ड करेगी। इस चीज़ को पहले इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करेंगे और इन क्लासेस को कैसे यूज़ करना है। इसके लिए मैंने सबसे पहले क्लास ली है कंटेनर, उसके बाद मैंने एक डिव ली है जिसको मैंने क्लास दे दी है ड्रॉप डाउन की। देन मैंने उसमें बटन ऐड किया है और बटन में मैंने क्लास दी है, बटन जो मेरे पास बेसिक है क्लास, और उसके बाद बटन प्राइमरी की दी है ताकि बेसिक स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई हो सके। और मैंने जैसे बोला था ड्रॉप डाउन टॉगल यूज़ करेंगे। इसके बाद जो मेरे पास बटन है उसकी मैंने टाइप बता दी है बटन, और जो दूसरा इवेंट था मेरे पास वो डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन बता दिया, जिसकी वजह से मेरे पास अब ये ड्रॉप डाउन क्रिएट होगा। कैरेट साइन क्रिएट करने के लिए मैंने ये किया है, स्पैन एलिमेंट को यूज़ किया और इसमें मैंने क्लास दे दी है कैरेट, और देन फिर मैंने अपना बटन टैग जो है वो क्लोज किया है। इसको क्लोज करने के बाद मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू की है, जिसमें मैंने उसको क्लास दे दी है ड्रॉप डाउन मेन्यू की। पहले मैंने क्लास दी है ड्रॉप डाउन की, उसके बाद मैंने क्लास दी है अनऑर्डर्ड लिस्ट को ड्रॉप डाउन मेन्यू की। इनमें मैंने लिस्टेड आइटम्स तीन लिए हैं और इनको मैंने एंकर टैग्स दे के एक डमी वेरिएबल बना दिया, और इसमें मैंने डमी लिंक क्रिएट कर लिया और इनको मैंने इनके टेक्स्ट लिख दिया है HTML, CSS और JavaScript। इसकी अब आउटपुट चेक करते हैं। तो मेरे पास ये मेरे पास ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है, जिसमें मेरे पास ये शो हो रहा है, ये कैरेट साइन आ रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। जब मैं इसे क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास इसका सब मेन्यू ओपन हो जाता है। इस तरह हम ड्रॉप डाउन्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है ड्रॉप डाउन हेडर एंड डिवाइडर, कि अगर मैं अपने ड्रॉप डाउन जो मेन्यू बनाया है उसमें हेडर ऐड करना चाह रही हूँ तो उसके लिए क्लास यूज़ करूँगी ड्रॉप डाउन हेडर की। इसके अलावा यानी कि अगर मेरे पास डिफरेंट ड्रॉप डाउन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, और उनमें मैं हेडर्स ऐड करना चाह रही हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसके लिए मैं ड्रॉप डाउन हेडर की क्लास ऐड करूँगी। इसी तरह अगर मैं एक सेपरेट जो है लिंक्स हैं वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऐड करना चाह रही हूँ, क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो उसको मैं थिन लाइन से एक सेपरेट कर दूंगी, तो उसके लिए मैं एक डिवाइडर क्लास को यूज़ करूँगी जो कि एक हॉरिजॉन्टल बॉर्डर शो करेगा थिन। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं नीचे ऐड कर देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल डिव क्लास डिवाइडर जो मेरे पास है। एक मैंने लिस्टेड आइटम क्रिएट की है और इसमें मैंने कोई जो है वो लिंक क्रिएट नहीं किया। इस लिस्टेड आइटम में मैंने क्लास दे दी है डिवाइडर की, देन फिर मैंने एक ऐड किया है लिस्टेड आइटम को। इस लिस्टेड आइटम के अंदर मैंने एक एंकर टैग लगाया और उसमें मैंने उसको टेक्स्ट जो लिख दिया वो है अबाउट अस लिख दिया। अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं। जब मैं इसे क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये एक हॉरिजॉन्टल डिवाइडर शो हो रहा है, जो मैंने यहाँ पर लिस्टेड आइटम में दी थी क्लास इज इक्वल्स टू डिवाइडर। इसी तरह जो ड्रॉप डाउन हेडर क्रिएट करना है तो उसके लिए ये
टेक्स्ट जो है इसको ऐड कर दूंगी लिस्टेड आइटम के थ्रू। अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद मैंने ये टेक्स्ट ऐड किया लिस्टेड आइटम में, और उसको मैंने कहा है कि मेरे पास जो क्लास है ड्रॉप डाउन हेडर आ रहा है, और उसको मैंने हेडर का क्या नाम लिख दिया, ड्रॉप डाउन हेडर 1। इसको चेक करें अब तो मेरे पास ये ड्रॉप डाउन हेडर 1 आ रहा है। इसी तरह मैं अबाउट अस से पहले भी इसको ऐड कर सकती हूँ, इसको मैं कह देती हूँ ड्रॉप डाउन हेडर 2। अब मैं दोबारा इसकी आउटपुट अगर चेक करूँ तो मेरे पास ये ड्रॉप डाउन हेडर 2 आ रहा है, और ये मेरे पास ड्रॉप डाउन हेडर 1 शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम इसको जो हमने लिस्टेड आइटम्स क्रिएट किए हैं, ड्रॉप डाउन्स मेन्यूज जो बनाए हैं, इसमें भी हम एक्टिव और डिसेबल आइटम्स ऐड कर सकते हैं। एक्टिव जो होगा वो हाईलाइट करेगा स्पेसिफिक ड्रॉप डाउन आइटम को जिसको हमने क्लास एक्टिव दी होगी, और जो डिसेबल होगा वो उसको उस ड्रॉप डाउन मेन्यू को डिसेबल कर देगा, और इसका जो है वो जो बैकग्राउंड कलर आएगा वो ग्रे में आ जाएगा। मैं अबाउट अस वाली जो क्लास है इसको मैं कह देती हूँ डिसेबल, इसको क्लास डिसेबल दे दी। देन जो फर्स्ट वन है मेरे पास एचटीएमएल वाला लिस्टेड आइटम, इसको मैं क्लास दे देती हूँ एक्टिव। इसकी आउटपुट अगर अब हम चेक करेंगे तो मेरे पास ये एक्टिव आ रही है, और जो ये लास्ट मेरे पास जो अबाउट अस है ये डिसेबल में आ गई। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो एक्सपेंड करिए अपवर्ड इंस्टीड ऑफ डाउनवर्ड्स, जो यानी कि हम ड्रॉप डाउन जब ओपन करते हैं जो उसके सब मेन्यू होते हैं वो नीचे की तरफ खुलते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये ऐसे शो ना हो अपवर्ड साइड पे आए, तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग जो हम डेव में ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज़ करते हैं वहाँ पर हम क्लास यूज़ कर लेंगे ड्रॉप अप की। जस्ट सिंपली हम यहाँ पर चेंज करेंगे ड्रॉप डाउन की जगह ड्रॉप अप। इसको सेव करते हैं। अब चेक करेंगे तो इधर पहले हम कुछ हेडिंग ऐड कर लेंगे, मेरे पास ये ड्रॉप अप आ गया है मेन्यू। सो हम इस तरह ड्रॉप अप मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं।